नमस्कार। दुनिया भर में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर लोग अपने पेट के फैट से काफ़ी परेशान। आजकल की लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि ज़्यादातर लोग एक चेयर पर बैठकर अपना पूरा समय बिताते हैं। इस वजह से पेट तो कम होगा ही नहीं, बढ़ेगा ही। अगर सही समय पर पेट का फैट कम नहीं किया गया तो इससे कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर और भी बहुत कुछ। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेट के फैट को समय होते ही हटाएं और ध्यान दें कि आप अपना सही रूटीन, अपना खान पान, इन सब का काफ़ी ख्याल रख रहे हैं, पर्याप्त नींद ले रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तनाव रहित रहने का, खुश रहने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज मैं आपको अपने पेट की चर्बी कम करने और पेट की मसल्स को टोन करने के लिए कुछ योग आसन बताऊंगी। ये आसन आपकी मसल्स को मजबूत बनाएंगे और वजन घटाने में भी मदद करेंगे। सबसे पहला है कोनासन 2। कोनासन 2 एंगल पोज है जो आपके पेट की मसल्स और साइड की मसल्स को कम करने में काफ़ी मदद करता है। इस आसन से आपके पेट और पेल्विक मसल्स पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। साथ ही ये डाइजेशन और ब्लड सर्कुलेशन में सुधार लाता है। दूसरा आसन है कोनासन 3। ये फॉरवर्ड बेंडिंग और ट्विस्टिंग पोज इंट्रा एब्डोमिन के कंप्रेशन के माध्यम से पेट के फैट को कम करता है। ये आपके कमर की साइड की मसल्स को स्ट्रेच करता है और टोन करने में मदद करता है। इस आसन से डाइजेशन में सुधार आता है और कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ भी दूर हो जाती है। अब करेंगे स्टैंडिंग वक्रासन। ये भी एक ट्विस्टिंग पोज है जो आपके एब्डोमिनल मसल्स और पीठ की मसल्स को अच्छे से मूव करता है। इससे आपकी कमर का फैट और पेट का फैट भी कम होता है और मसल्स टोन्ड हो जाते हैं। साथ ही आपके लोअर बैक की मसल्स को भी मजबूत करता है, स्टिफनेस को निकालता है और दर्द को कम करता है। चौथा आसन है उष्ट्रासन। ये एक बेहतरीन आसन है पेट के फैट को कम करने के लिए। साथ ही ये थाइस और हाथों के फैट को भी कम करता है। इस आसन के अद्भुत और अनेक फायदे हैं। इससे ये आपके पेट, थाइस, थोरैक्स, नेक और फेशियल मसल को भी स्ट्रेच करता है, कॉन्स्टिपेशन और बैक पेन से छुटकारा देता है, आपके पॉस्चर और ब्रीदिंग में भी सुधार लाता है। पाँचवा आसन है शलभासन। ये आसन के अभ्यास से आपका एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है और आपकी एब्डोमिनल वॉल्स भी मजबूत होती है। ये आपके निचले हिस्से के अंगों को, जैसे कि किडनी और लिवर को एक्टिवेट करता है। ये आपके स्पाइन और पूरे शरीर में सर्कुलेशन बढ़ाता है। इस आसन से पीरियड्स में होने वाली बैकएक और पेट की डाइजेशन की समस्या भी कम हो जाती है। अब दूसरा आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के अभ्यास से पीठ और पेट की मसल्स मजबूत होते हैं। इतना ही नहीं, ये पेट, हाथ पैर और फोर मसल्स को टोन करता है और शक्तिशाली बनाता है। ये पेल्विक मसल्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को उत्तेजित करता है। साथ ही आपकी नेक और बैक को स्ट्रेच करके पूरा टेंशन और दर्द हटा देता है। अगला है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास वो तना हुआ जो पेट ऊपर आ रहा है उसको कम करने के लिए बहुत ही प्रभावी है, क्योंकि इस प्राणायाम के अभ्यास से आपका मेटाबॉलिज्म तेज होता है जिससे आपका वजन हट ही जाएगा। ये आपके पेट को टोन करने के साथ साथ मजबूत भी बनाता है। अगर आपको चिंता सताती है तो ये प्राणायाम का अभ्यास आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये मन को शांत करता है और आपके शरीर और मन में एनर्जी का संचार करता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से आपका रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत बनेगा। और फिर सबसे अंत में शवासन करना ज़रूरी है। याद रखिए, कोई भी योगा प्रैक्टिस शवासन के बिना अधूरी है। शवासन देखा जाए तो एक मेडिटेटिव पोज है जो पूरा शरीर और मन दोनों को रिलैक्स करता है। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शांत करता है। ये ब्लड प्रेशर, हेडेक, एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है। ये सभी आसन सिर्फ आपके पेट की चर्बी को ही कम नहीं करेंगे बल्कि आपको अनेकों अनेक फायदे भी प्रदान करेंगे। आपका लक्ष्य
स्वस्थ रहना होना चाहिए और ना कि सिर्फ वजन कम करना या पेट की चर्बी कम करना। स्वस्थ रहने के लिए अपना डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज, नींद और लाइफस्टाइल के अन्य पहलुओं पर भी आपको पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। योग के अनुसार हमें हमेशा अपने संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सिर्फ वजन कम करने या बॉडी टोन करने के लिए। साथ ही आप जैसे हैं वैसे खुद को स्वीकार करने का प्रयत्न करिए और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए रोज़ाना इन सब चीज़ों का अभ्यास ज़रूर करिए। शुभमस्तु, नमस्कार।